जिंदगी तो अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। तो दोस्तों, जब इस जिंदगी को जीना ही अपने कंधों पर है तो क्यों ना इनको थोड़ा मजबूत बनाया जाए, थोड़ा वर्कआउट किया जाए। हे गाइस, वेलकम बैक, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो दोस्तों, जैसा कि अपनी लास्ट रेसेसमेंट वर्कआउट वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगली मसल ग्रुप पर एक्सरसाइज वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगा, तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए शोल्डर्स वर्कआउट, और वो भी सिर्फ और सिर्फ रिसेप्स बैंड से। शुरू करते हैं। वार्म अप सेशन में हम हैंड्स की रोटेशन रखेंगे, जिसमें कि फर्स्ट है हमारी स्मॉल सर्कल बनाते हुए हैंड रोटेशन। इसमें पहले हम एंटी क्लॉकवाइज और फिर उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हैंड्स को रोटेट करेंगे स्मॉल सर्कल्स बनाते हुए। सेकेंड हमारी फोल्डेड हैंड रोटेशन रहेगी, जिसमें कि हम पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। गाइस, वार्म अप सेशन बहुत ज़रूरी है, आप किसी भी एक्सरसाइज को करते हुए वार्म अप सेशन को मिस ना करें। वार्म अप का ये बेनिफिट है कि इससे हमारे जो जॉइंट्स हैं, शोल्डर जॉइंट्स, उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और इसके साथ साथ हमारा शोल्डर्स की एक्टिवेशन भी प्रॉपरली हो जाती है। थर्ड रोटेशन में आप फुल सर्कल्स बनाते हुए हैंड्स को रोटेट करेंगे, पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें। इसी के साथ हमारा वार्म अप सेशन कंप्लीट होता है। 40 पाउंड्स का रेजिस्टेंस लिया मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज अराउंड द वर्ल्ड रिलीज के लिए। रेजिस्टेंस बैंड की पोजीशन लेग्स के नीचे सेंटर में रहेगी। दोनों हैंडल बार्स को आप पहले फ्रंट में रेज करेंगे, उसके बाद साइड में शोल्डर्स के राउंड लाते हुए वापस नीचे लेके आएंगे। सेम एक्सरसाइज को आप अल्टरनेटिवली करना चाहें तो पहले आप साइड में रेज कर सकते हैं और फिर फ्रंट से लेके नीचे की ओर प्रोसीड कर सकते हैं। नाइन्टी पाउंड्स का रेजिस्टेंस लिया मैंने सेकेंड एक्सरसाइज शोल्डर प्रेस के लिए। इस एक्सरसाइज में आप दोनों हैंडल बार्स को लेकर शोल्डर्स के राउंड होल्ड करेंगे और फिर ऊपर की तरफ पुश करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस एक्सरसाइज में आपको ऊपर की तरफ पूरा स्क्वीज करना है ताकि आपके शोल्डर पूरी तरफ पंप हो सकें, फुल रेंज ऑफ मोशन को एक्वायर करना है। फिफ्टी पाउंड्स चूज किया मैंने थर्ड एक्सरसाइज साइड रेज के लिए, जिसमें कि आपको दोनों हैंडल्स को साइड्स में शोल्डर्स के अराउंड पुल करना है और ऊपर की ओर एक दो सेकंड्स का होल्ड करना है, जिससे कि आपके डेल्टॉइड्स प्रॉपरली एक्टिवेट हो सकें। फिफ्टी पाउंड्स चेक किया मैंने नेक्स्ट एक्सरसाइज फ्रंट रेज के लिए, इसमें आपको दोनों हैंडल बार्स को फ्रंट में ऊपर की तरफ रेज करना है, ऊपर ले जाते हुए पूरा स्ट्रेच करना है और एक दो सेकंड्स का होल्ड भी करना है। इस एक्सरसाइज को इजी बनाने के लिए आप इसे सिंगल आर्म भी परफॉर्म कर सकते हैं।
100 pounds का वेट लिया मैंने। नेक्स्ट एक्सरसाइज फेस पुल के लिए बैंड की प्लेसमेंट शोल्डर हाइट पर रहेगी। इसमें आपको बैंड को अपने फोरहेड की तरफ पुल करना है और फुल स्ट्रेच पोजीशन में 1-2 सेकंड्स का होल्ड करना है। मैंने ये एक्सरसाइज हैंडल बार्स के बिना परफॉर्म की है, आप चाहें तो हैंडल्स का यूज कर सकते हैं। £150 स्टैक किया है हमारे 6th एंड लास्ट एक्सरसाइज श्रग्स के लिए। बैंड्स की प्लेसमेंट लेग्स के नीचे सेंटर में रहेगी। बैंड्स को अपने हाथों में इक्वली और स्ट्रेट हैंड्स रखते हुए ऊपर की तरफ स्क्वीज करना है। गाइस, मैंने एक इंटरमीडिएट पर्सन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस लिया है। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस चूज करें। तो गाइस, ये था हमारा आज का वर्कआउट जो कि शोल्डर्स पे बेस्ड थी। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ 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 दोस्तों, सब्सक्राइब करो यार चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज अंकित शिवान साइनिंग ऑफ।